प्रणाम। आइए आज एक हमीरपुर के मंदिर की परिसर की परिक्रमा करते हैं। हमीरपुर में लगभग सभी मंदिर इसी पैटर्न पे बनाए जाते हैं। कुठेड़ा के नज़दीक ये मंदिर है जो मुझे बहुत ही सुंदर लगा, इसलिए मैं इसको आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसी पैटर्न पे सभी हमीरपुर के ग्रामीण मंदिर होते हैं। प्रमुख देवता जो पूजे जाते हैं वो आप देख ही रहे हैं। मंदिर का परिसर में शोभायमान है भगवान हनुमान और भगवान शिव में काफ़ी आस्था है। मंदिर का ये परिसर बहुत साफ सुथरा है, मैं ये कहूँगा कि ये बधाई के पात्र हैं ये ग्रामीण। और जैसे ही मंदिर के परिसर में हम जाएंगे तो हनुमान जी दक्षिण की तरफ उनकी चेहरा किए हुए मूर्ति है। विशेष तौर पर आगे शिव का मंदिर है, सामने नंदी जी विराजमान हैं। और जब भी हमारे ये मंदिर होते हैं गांव के तो एक कुल देवी भगवान भोलेनाथ और हनुमान जी तो ज़रूर ही मिलेंगे। साथ ही में जब भी कोई धार्मिक आयोजन होता है आसपास इस गांव के तो जो लोग यहाँ ग्रामीण श्रद्धा पूर्वक अनुष्ठान करते हैं और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण होने पर प्रतीकात्मक स्वरूप ध्वजाएँ इस मंदिर परिसर में अपनी ध्वजाएँ चढ़ाते हैं। देखिए आपके चारों तरफ हनुमान जी के चारों तरफ बहुत सुंदर ध्वजाएं हैं जो बहुत सुंदर लग रही हैं। इसके साथ साथ मंदिर परिसर में हमीरपुर के जो लोकल देवता हैं जो इस क्षेत्र में वो पहाड़ी कहा जाता है उस देवता को, और क्योंकि मंदिर है तो कुल देवी का भी होना रहता है, तो भगवान के साथ माता अम्बा की भी मूर्ति यहाँ स्थापित है। साथ में मैं पहाड़ी देवता की बात कर रहा था, तो जब भी फसल इत्यादि का जो प्रथम शेयर है, जो रोटियां बनती है जिसे रोट कहा जाता है, वो पहाड़ी देवता को चढ़ाया जाता है। आइए हनुमान जी के दर्शन के बाद पहाड़ी देवता की तरफ चलते हैं। यहीं पे राइट साइड पर सफ़ेद कपड़ों में बहुत सुंदर मूर्ति है, पीपल के वृक्ष के नीचे पहाड़िया देवता हैं और इनमें बहुत ज़्यादा श्रद्धा है। हर अच्छे कर्म में इनका आशीर्वाद लेना ज़रूरी माना जाता है। इस तरह से इसी पैटर्न पर हमीरपुर के सभी मंदिर होते हैं।